हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा एंड यू आर वाचिंग राइट नाउ केमिस्ट्री नाउ फेस्ट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो क्लास टेंथ के साथ साथ क्लास ट्वेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब क्लास सोच रहे होंगे आप लोग कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो क्लास टेंथ और ट्वेल्थ दोनों में इम्पॉर्टेंट है या दोनों में कॉमन है। तो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हमारे समझ गए होंगे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं मेटलर्जी की, क्योंकि क्लास टेंथ में आप लोगों ने रीड ऑलरेडी किया हुआ है मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में और हमारे क्लास टेंथ के स्टूडेंट तो अभी रीड कर ही रहे हैं। ओके, तो उनमें से हम लोग सारे टॉपिक को नहीं लेकिन दो टॉपिक को आज उठाने वाले हैं, जिनमें से पहले का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन को हम लोग क्लास हाल हेराल्ड प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। सर, पहले थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की हमें ज़रूरत क्या पड़ी और ये है क्या। तो थोड़ा सोचिए और आप बताइए कि हम जानते हैं किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें उसके पहले ओर तक पहुंचना होता है, और हम जानते हैं ओर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। हुए तो बहुत सारे प्रकार के, लेकिन उनमें से मेनली हम तीन जानते हैं। कौन सा? कार्बोनेट ओर, सल्फाइड ओर और ऑक्साइड ओर। कार्बोनेट ओर अगर रहता है तो हम लोग उसका कैल्सिनेशन करके उसे उसके ऑक्साइड ओर में बदल लेते हैं। सल्फाइड ओर रहता है तो उसे रोस्टिंग करके उसे उसके ऑक्साइड ओर में बदल लेते हैं, और ऑक्साइड ओर है तो फिर हमें उसी की तो ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि ऑक्साइड ओर का रिडक्शन बड़ी आसानी से कोक से, कार्बन से, ग्रेफाइट से हो जाता है और मेटल हमें आसानी से मिल जाता है। तो किसका एग्जांपल लेकर के हम लोग समझने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन? हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं एल्युमिनियम का, तो मींस हमें बात करना पड़ेगा एल्युमिनियम के ओर की तरफ। चलिए तो देखते हैं क्या है एल्युमिनियम का ओर। ओके सर, एल्युमिनियम का जो ओर है ना उसका नाम है बॉक्साइट। फॉर्मूला क्या है सर बॉक्साइट का? वैसे तो इसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पे लिखते हैं, लेकिन मोस्टली इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Al2O3 NH2O से। चलिए, दोनों में अंतर है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, बस फार्मूले में है, बाकी थोड़ा सा परिवर्तन होकर के वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जाता है, उसके बारे में बाद में बात होगी। हीट करके आप वाटर मॉलिक्यूल को वेपर के फॉर्म में रिमूव कर सकते हो। जी हाँ, तो बचेगा क्या? अगर वो वेपर के फॉर्म में निकल गया तो बचेगा क्या? सर, बचेगा हमारे पास Al2O3। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मेटल। तो सर, इसी ऑक्सीजन को अगर निकाल दिया जाए ना तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैंसिल तो बचेगा कौन? एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम है प्योर मेटल, इसी की तो हमें ज़रूरत है। अब जरूरी 100% प्योर है, बाद में इसकी बात होगी रिफाइनिंग में। तो ऑक्साइड ओर अगर रहेगा तो इसका रिडक्शन करके हम लोग आसानी से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या मेटल को अलग कर सकते हैं। क्लियर? तो करना क्या है हमें? एल्युमिनियम का एग्जांपल अगर हम लोगों ने उठाया है तो चलिए बात करते हैं कि एल्युमिनियम के रिडक्शन कैसे किए जाएंगे, कैसे इलेक्ट्रोलिटिकली। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बड़ा सा स्टील का टैंक। ओके, इसके अंदर की लाइनिंग होगी कार्बन की, आप देख रहे होंगे साफ साफ, ये है स्टील का टैंक, और इनर लाइनिंग जो और डार्क दिखाई दे रही है यहाँ पर वो किसकी है क्लास? कार्बन की। ओके, इसी के अंदर हम लोग मिक्स कर देते हैं क्या? अपना एल्युमिनियम ऑक्साइड, और साथ साथ में क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है इन दोनों की, और ये दोनों क्या है सर? चलिए बात करते हैं। एक्चुअली हमें एल्युमिनियम के ऑक्साइड को मेल्ट करना पड़ता है, बिकॉज इलेक्ट्रोलिटिकली हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं ना इसको, तो हमें किसके फॉर्म में जाना पड़ेगा? सोल्यूशन के फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड की मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली बहुत हाई होती है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेल्ट नहीं होता, होता है, मगर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल को खर्च करना पड़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा खर्च करके किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग इसमें इसकी मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए दो चीज़ें ऐड कर देते हैं। पहला तो है हमारे पास क्रायोलाइट, जिसका फार्मूला है Na3AlF6, और दूसरा है हमारे पास फ्लोरस्पार, ओके, जिसका फार्मूला है CF2। ये दोनों करते क्या है सर? ये दोनों को, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए किस में? बॉक्साइट में, तो ये बॉक्साइट की मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देते हैं अबाउट 1173 केल्विन, मींस बहुत ज़्यादा कम कर दे रहे हैं।
तो मतलब कम फ्यूल में ही ये जल्दी से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ओके वापस आ जाइए, और भी कुछ करता है सर? ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के साथ साथ में सोल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, जिससे सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसको अलग से भी पूछा जाता है कि वो कौन सी चीज़ है जो एल्युमिनियम के ओर के साथ में ऐड की जाती है जिससे मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, या फिर मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए क्या ऐड किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बना करके पूछता है। इसको दिमाग में रखे रहिएगा। तो अब बात करते हैं घटना होती क्या है और आगे के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, ये है हमारा कॉपर का क्लैंप जिसे हम लोग पॉजिटिवली चार्ज देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज पूरे कॉपर के क्लैंप में रन कर जाएगा क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मेटल है। इसके साथ में सर ये क्या लगा हुआ है, ये है हमारा ग्रेफाइट का रॉड जो कि काम कर रहा है कैसा, एनोड की तरीके से, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज इसमें भी रन कर जाएगा। क्लियर। ये जो स्टील की रॉड है विद इनर लाइनिंग ऑफ कार्बन, ये कैसा काम कर रही है सर, ये काम कर रही है कैथोड की तरीके से। अब बात करते हैं होना क्या है। एक्चुअली इसमें जो हमारे पास मेटल का ओर है वो है Al2O3, और एक ग्रेफाइट हम जानते हैं कार्बन कैलोट्रॉप है, तो कार्बन देगा, ये कार्बन के साथ में रिएक्ट कर जाता है। ओके, और एल्युमिनियम अलग हो जाता है, साथ में 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। लेकिन ये रिएक्शन जितना सिंपल यहाँ दिख रहा है क्लास, इतना है नहीं। सर आपने तो बोला था कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी देने पर इलेक्ट्रोलाइट वगैरह मौजूद हैं, तो इनमें भी से भी कुछ प्लस माइनस होना चाहिए ना, तो बिल्कुल होता है। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या घटना होने वाली है यहाँ पे। देखिए जब हम लोग चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं इस टैंक में, पॉजिटिव और निगेटिव, तो जितना मोल्टन स्टेज में हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इलेक्ट्रिसिटी गेन करके ये आयोनाइज हो जाएगा, ये अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, यस सर यही बनाएगा। ओके, चूंकि एल्युमिनियम पॉजिटिव 3 मींस प्लस 3 चार्ज है, तो थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे। अगर किसी टैंक में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, और उसी इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान से देखा जाए और उसके पास एक चार्ज आ जाए, कैसा चार्ज आ जा रहा है, पॉजिटिव, मान लेता हूँ ये में सब के सब प्लस 3 चार्ज हो जा रहे हैं, तो आप बताओ क्या ये सेटल डाउन होंगे, नीचे बैठेंगे, नहीं सेटल डाउन होंगे भाई, बिकॉज ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। अरे सर एक बार कर देंगे बस, नहीं, टैंक है भैया, टैंक है, और ये सोल्यूशन है, इसमें लगातार कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, रिपल्सन होता रहेगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली जिग जैग मोशन शो करते रहेंगे, वही ब्राउन एंड मूवमेंट जैसा हाल रहेगा, और ये नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। तो क्या हमें मिल पाएंगे, तो मिलेंगे भी तो किस में रहेंगे, सोल्यूशन में रहेंगे, लेकिन हमें तो सॉलिड के फॉर्म में नहीं अलग करना है ना। अब यही बात हमें समझनी है। ओके, एक्चुअली एनोड पर होना क्या है और कैथोड पर होना क्या है, इन्हीं दोनों घटनाओं को आप समझ जाओ, बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, में ओके, तो एनोड को ध्यान से देखिए, यहां पर एनोड कैसा चार्ज है, एनोड सर पॉजिटिवली चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ब्रेक हुआ है हमारे पास, एक तो निगेटिव आयन है और एक पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव से ये तो रिपल्स हो जाएगा ना, Al+3 क्या इस ग्रेफाइट के पास जा पाएगा, भटक पाएगा, नहीं भाई, रिपल्स हो जाएगा, बिकॉज कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये तो निगेटिव चार्ज है ना सर, एनोड पर क्या मौजूद है सर, ग्रेफाइट मौजूद है, ग्रेफाइट का मतलब सर क्या हो गया सर, कार्बन है, कार्बन इस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, साथ में इसके पास जो एक्सेस 2 इलेक्ट्रॉन है उसे वो रिलीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, सोल्यूशन में ही। ओके, या फिर कार्बन किसके साथ रिएक्ट करें, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के आयन के साथ, और रिएक्ट करके बनाए कार्बन डाइऑक्साइड, और कितना ऑक्सीजन निकाल दे, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 4। क्लियर। अब वेट, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो एल्युमिनियम का अटैक हो नहीं पाया था, या एल्युमिनियम उससे रिपल्स हो रहा था, लेकिन पूरी की पूरी स्टील की वॉल कंटेनर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है,
क्या इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा पाएगा? आप बोलोगे नहीं, वहां से रिपल्स हो जाएगा बिकॉज वो भी निगेटिव चार्ज है। लेकिन वहां कौन पहुंचना चाहेगा? पॉजिटिव। उसकी मुलाकात किससे होगी? उसके द्वारा रिपल्स किए हुए ढेर सारे इलेक्ट्रॉन से। तो इसी जगह पर एल्युमिनियम प्लस थ्री क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। व्हाई? बिकॉज ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्लास, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये सारी बात हो कहा रही है, सोल्यूशन में हो रही है ना, और सोल्यूशन में उसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो सकती है किससे? इलेक्ट्रॉन से। इसलिए Al प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और क्या बना लेता है? एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में। अब वेट, जैसे ही इसका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, क्या अब भी रिपल्सन होगा? अब भी ब्राउनियन मूवमेंट की तरह रहेगा? अब भी वो नहीं स्टेबल रहेगा, जिगजैग मोशन शो करेगा? नहीं, अब तो भाई स्टेबल हो गया, कोई चार्ज नहीं है, नीचे तुरंत क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। ये जो नीचे मौजूद है ना, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा फाइन स्पॉटेड किया है, ये है मोल्टेन एल्युमिनियम, और इस मोल्टेन एल्युमिनियम को हम लोग बाहर कर लेंगे अलग। एक चीज ध्यान से देखिए, इन सारे प्रोसेस को करने के दौरान हम लोग ऊपर डाल देते हैं इसमें कोक की पाउडर, पाउडर की लेयरिंग लगा देते हैं इसके ऊपर, जिससे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का अटैक इस सोल्यूशन पर होने ना पाए। क्लियर? तो ये था हमारा छोटा सा प्रोसेस, एक बार आप इसे देख लीजिए क्या घटना होती है, फटाक से एक बार रैपिडली रिवाइज कर लेते हैं। एल्युमिनियम का और क्या था? बॉक्साइट और, बॉक्साइट और में क्या मौजूद था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ही हमें अलग करना था, अलग कैसे करना है? इलेक्ट्रिकली। इसके लिए हम लोगों ने क्या काम किया है? एल्युमिनियम का पाउडर लिया है, उसके साथ में किसको ऐड किया है? क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार को। क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार क्या काम करता है? मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देता है, साथ ही साथ सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। ओके, साथ में क्या रखा गया यहाँ पे? सर, कॉपर क्लैंप के साथ में ढेर सारे ग्रेफाइट की रॉड लगाई गई है, जो किसका काम कर रहा है? एनोड का काम कर रहा है। ये जो स्टील विद इनर लाइनिंग ऑफ कार्बन, ये किसका काम कर रहा है? सर, कैथोड का काम कर रहा है। घटना क्या होती है? एल्युमिनियम एक्चुअली क्या, एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या करेगा? कार्बन से रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम बनाएगा। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कैसे, ये एल्युमिनियम कैसे बनेगा, इसकी घटना कहाँ हो रही है? एनोड और कैथोड पे। इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड ब्रेक हो जाता है, देता है कटायन और एनायन। कटायन के फॉर्म में क्या बना रहा है? Al प्लस थ्री। एनायन के फॉर्म में हमारे पास आपको दिख रहा होगा। एनोड पर क्या घटना होगी? एनोड है हमारा कार्बन का, कार्बन के साथ में ये एनायनिक पार्ट आकर के रिएक्ट कर जाता है, इससे अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर दो आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यही इलेक्ट्रॉन किससे रिएक्ट कर जाता है? हमारे एल्युमिनियम से, और इसके ऊपर मौजूद चार्ज हो जाता है न्यूट्रलाइज। वेट ज्यादा होने की वजह से, मास बढ़ जाने की वजह से नीचे क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। चार्ज भी नहीं है उसकी वजह से भी हो जाएगा सेटल डाउन, और नीचे आउटलेट ऑफ फॉर एल्युमिनियम जहां मैंने राइट किया है वहां से इसे कर लिया जाएगा अलग। ये होल प्रोसेस किसके लिए स्टैंड है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिकल रिडक्शन। ओके, तो चलिए अब देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसी के बगल में, मैं इसे रेज नहीं कर रहा हूं, बगल में ही चलिए उसे भी समझ लिया जाए कि क्या है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अच्छा बताओ, अगर मेटल का एक्सट्रैक्शन हो गया है यहाँ पे, ओके, जैसे एल्युमिनियम को मैंने अलग कर ही लिया है, हम लोगों ने अलग कर ही लिया है, तो क्या एल्युमिनियम 100% प्योर होगा? नहीं। तो सर, ये तो सिर्फ एल्युमिनियम आया होगा ना? नहीं, आप भूल रहे हो, फ्लोस्पार भी था, सोडियम भी था, वो सब भी इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके साथ मिक्स होकर के सेटल डाउन हो सकते हैं ना। लेकिन नहीं, इतना नहीं, लगभग 99% इसमें प्योर मिल जाता है। बात करते हैं अब हम लोग अपने अगले प्रोसेस पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या काम करते हैं भाई? चलिए देखते हैं सर, इसके बारे में क्या है। इस फिगर को तो आप मेरे साथ ही बनाइए, बंद मत करिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए भी हमें चाहिए एक कंटेनर। ओके, तो किस तरीके के मेटल को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंतर्गत रखा जाएगा? आप कॉपर को, टिन को, सिल्वर को, गोल्ड को, या और भी बहुत सारे इनको आप रख सकते हो। करना क्या है और करें क्यों हम लोग रिफाइनिंग की, हमें ज़रूरत क्या पड़ गई? सर, मेटल के एक्सट्रैक्शन में तो प्योर तो हमें मिल ही गया है, 100% प्योर नहीं मिला है, ये हमें याद रखना है। और अगर मेटल से वायर बनाया जाए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी अगर उस मेटल में इम्प्योरिटी है,
तो लॉस हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगी तो हम जानते हैं फिर अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव नहीं कहलाएगा बिकॉज एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हमें क्या काम करना है, रिफाइन करना है और कोशिश करना है जहां तक हो पाए 100% रिफाइन हो जाए। ओके, तो किसका एग्जांपल लेकर के समझे यहां पर, जो हम लोग ज्यादा जानते हैं कौन सा, कॉपर का। तो आपको करना क्या है, एक कॉपर का जो आपके पास इम्प्योर है, इम्प्योर रॉड को ले लीजिए और जितना मोटा हो सके ले लीजिए, उसे कैसा चार्ज प्रोवाइड करवा दीजिए यहाँ पे भैया, इम्प्योर अगर है आपके पास में जिसमें इम्प्योरिटी है उसे कैसा चार्ज प्रोवाइड करवा देना है आपको, पॉजिटिव। मींस क्या फॉर्म करेगा वो, एनोड। ओके, कैसा, एनोड। ओके, दूसरा क्या काम करना है, बहुत ही पतली आप स्ट्रिप ही ले लो, एकदम पतली स्ट्रिप किसकी ले लो, प्योर कॉपर की, लेकिन उसे कैसा चार्ज दिला दो आप, कैथोड का। मीन्स कैसा चार्ज रहे, नेगेटिव। अब ध्यान से देखना इस चीज को, सर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं कॉपर सल्फेट। क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉपर सल्फेट, बट एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। अब ये सर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होता है, पहले ये तो समझा दीजिए। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का मतलब हो गया कि CuSO4 के साथ में H2SO4 भी डाल दिया जाए, H2SO4 ब्रेक हो जाएगा और आयन बनाएगा जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। कॉपर भी वही काम करेगा कॉपर सल्फेट के साथ में मिलकर के। तो समझिएगा इस बात को, एनोड के पास क्या है सर, इसके पास कॉपर है लेकिन इम्प्योरिटी भी है। ओके, और यहाँ क्या है, प्योर कॉपर है। इस पर चार्ज कैसा दिया जा रहा है सर, एनोड को चार्ज दिया जा रहा है पॉजिटिव। अब समझते हैं घटना क्या होनी है, एनोड पर क्या घटना होनी है भाई, एनोड पर जो कॉपर है जब उसे आप इलेक्ट्रिकली करंट दोगे, आप याद करो एक टर्म होता था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर हाई स्कूल वाले बच्चे हमारे आपको नहीं पता होगा लेकिन एक टर्म होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है और वो अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही कॉपर एनोड पर मौजूद है अगर और उसे चार्ज दिया जाता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, लॉस कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो कॉपर के ऊपर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। और हम जानते हैं आप पूरा कॉपर रॉड कैसा है, पॉजिटिव ही चार्ज है, फटाक से क्या करेगा उसे रिपल्स कर देगा, अपने पास से भगा देगा। पूरे सोल्यूशन में क्या चीज मौजूद है, प्योर कॉपर की रॉड मौजूद है। कैसा चार्ज है इसके पास, निगेटिव चार्ज मौजूद है। अब अगर निगेटिव मौजूद है तो ये क्या काम करेगा, इसकी तरफ भगेगा ना, कॉपर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां भग करके जाएगा, निगेटिव चार्ज के पास। इस तरीके से ये कंटिन्यूसली अपने पास से कॉपर को डिस्चार्ज करता रहेगा और ये कहाँ भगता रहेगा, कैथोड के पास। कैथोड के पास जाकर के जमा होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ क्या होगा कि जो आपने बहुत ही मोटी रॉड ली हुई थी इम्प्योर कॉपर की, वो धीरे धीरे पतली होने लगेगी, सोल्यूशन में डिजॉल्व होने लगेगी। ओके, और जो थिन फाइल जैसा आपने प्योर मेटल लिया था कॉपर का, वो धीरे धीरे थिक होने लगेगा। क्यों भैया, क्योंकि उस पर मेटल का डिपोजिशन कंटिन्यूसली हो रहा है। कौन सा मेटल, वही कॉपर जो यहां से निकल के उधर की तरफ आ रहा है, क्लियर। लेकिन ध्यान देना, जो इम्प्योरिटी यहां रहती है वो तो नहीं चार्ज के फॉर्म में है ना, वो चार्ज नहीं है तो इसलिए वो क्या हो जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। सर पहले क्यों नहीं सेटल डाउन हो गई, क्योंकि पहले जब कॉपर मौजूद था तो कॉपर के इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस में वो क्या था, बाइंड था, जुड़ा हुआ था, फंसा हुआ था। लेकिन जब कॉपर खुद ही निकल गया तो स्पेस की बात ही नहीं रह गई, हट गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कचड़ा है, मड है। कहाँ है वो, एनोड पर है ना, इसलिए हम लोग क्या नाम दे देते हैं इसे, एनोड मड। क्लियर हुई बात है। अब कैथोड पर क्या घटना होती है, कैथोड पर आप ध्यान दो चार्ज कैसा दिए थे, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये कॉपर आपका गया हुआ है, अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन पाएगा और कॉपर न्यूट्रलाइज होगा ना भाई, तो सॉलिड के फॉर्म में ही होगा। इस तरीके से प्योर फॉर्म में कॉपर हमारा अलग हो जाएगा और जितनी भी इम्प्योरिटी रहेगी वो एनोड मड के फॉर्म में अलग हो जाएंगी। अगर ये इम्प्योरिटी उसी कॉपर के रॉड के साथ रहती
तब हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी देते तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो ना पाती, रेजिस्टेंस के फॉर्म में खर्च हो जाती। क्लियर? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना है कि मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में, एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। हाई स्कूल ये तो क्वेश्चन इस दोनों टॉपिक से बहुत ईजी पूछा जाएगा, सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाएगी भाई। बहुत टफ की ये तो पूछ लिया जाएगा कि किस तरीके के मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है ऐसा करके। लेकिन क्लास ट्वेल्थ आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ये प्रोसेस पूरा पूछ सकता है। हाँ, लेकिन हमें याद होगा हमारे पास सेकेंड चैप्टर में एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस पर भी वहाँ भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हमारे पास सोल्यूशन के फॉर्म में। सोल्यूशन चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है। तो वहाँ पर आपको याद होगा एक लॉ है हमारे पास फैराडे लॉ ना, तो यहाँ से क्वेश्चन फैराडे लॉ से रिलेट कर देता है। जैसे इस प्रोसेस में हम लोगों ने करंट तो दिया ना, मगर कितना दिया ये बात नहीं हुई है, कितने समय तक के लिए दिया ये भी बात नहीं हुई है। अगर इतना करंट इतने समय तक के लिए हम लोग देते हैं तो कितना कॉपर जाकर के कैथोड पर जमा होगा, ऐसी बात हुई नहीं हुई ना, क्योंकि कॉपर अगर जमा हो रहा है तो हम लोग इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री लेवल पे करेंगे, तो यहाँ जितना खर्च होगा उसी के हिसाब से तो हम लोग कास्ट वगैरह सेट करेंगे। इसलिए हमें इन तीनों चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है कि कितना करंट कितने समय तक के लिए दिया जाए और कितना कॉपर जमा हो। इसके लिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपको 20 एम्पियर करंट यहाँ के लिए देता हूँ, कितने समय तक के लिए, 40 मिनट के लिए। तो चलिए आप मुझे बताइए कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। हाँ, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तब आप बोलोगे कि सर पहले तो हम पता लगा लें कि इसको देने पर चार्ज कितना होगा। ओके, तो आपके पास एक फार्मूला है Q = IT, याद ही होगा, आई आप रखते हो 20, टी आपके पास कितना है 40, मिनट में स्टैंडर्ड में ले जाने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 48,000। क्लियर? 1, 2, 3, 0 कर लो, 4, 2, 8, 8, 6, 20, 48। ओके, बातें कि चार्ज हमारे पास कितना हम दे रहे हैं उसे, इतना चार्ज दे रहे हैं हम, दे रहे हैं बाहर से इतना चार्ज दे रहे हैं। लेकिन याद करो कॉपर अब जा करके अगर डिपॉजिट होता है तो कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है तब जा करके कॉपर सॉलिडिफाई होता है, और कॉपर का मॉलिकुलर मास, एटॉमिक मास होता कितना है, 63.5 ग्राम। इसका मतलब 63.5 ग्राम जमा होगा, कब, इस प्रोसेस से। अब आप जानते हो कि यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स, तो नाम दोगे 2 फैराडे, और 1 फैराडे कितना होता है, ये 2 हो गया ना, 2 × F मतलब फैराडे, और फैराडे किसके बराबर हो है 96500। इसका मतलब आप चार्ज कितना दे रहे हो इसको, आप इसको चार्ज दे रहे हो 193,000। क्लियर? इतना कूलाम चार्ज अगर पाएगा कॉपर तो 63.5 ग्राम आप कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन आप चार्ज दे कितना रहे हो, इतना दे रहे हो, कितना दे रहे हैं आप, इतना चार्ज दे रहे हैं, और यहाँ चार्ज कितना है आपके पास, इतना। तो कम है ज़्यादा, चलिए सर कम ही है तो कम ही जमा होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम बच्चों जैसा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जैसा। आप बोलोगे कि सर 193,000 कूलाम चार्ज देने के बाद 63.5 ग्राम ही कॉपर जा करके डिपॉजिट होगा, तो इसलिए 1 कूलाम चार्ज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कितना होगा सर, 63.5 / 193,000। तो सर हमारे पास चार्ज कितना दिया जा रहा है, इतना चार्ज दिया रहा है, सो इतना चार्ज अगर आप दे रहे हो मीन्स 48,000 कूलाम चार्ज अगर आप दे रहे हो तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, 63.5 / 193,000 मल्टीप्लाई बाय 48,000। आई बात समझ में? अब इसे आप सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो क्या आएगा, कॉपर का ही मास आएगा। क्लियर कि इतना कॉपर जमा होगा, आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं, ठीक। चलिए तो हो गया कंप्लीट आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। डेफिनेशन आपको अपने मन से यहाँ पे राइट करना है क्लास। मैंने सोचा एक बार चलिए डेफिनेशन राइट कर देता हूँ ऊपर, लेकिन अगर डेफिनेशन इस थोड़े से कम समय में मैं राइट करता तो आप उसी डेफिनेशन को रट्टा मारते। लेकिन अगर अभी प्रोसेस पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया है तो डेफिनेशन तो आप खुद ही अराइज कर लोगे।
क्लियर है? तो ठीक, तो बातें हो गई खत्म, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे।